नागपुर के इतिहास में एक और उपलब्धि। नागपुर में देश के पहले न्याय कौशल ई रिसोर्स सेंटर का हुआ उद्घाटन। न्यायाधीश शरद बोबड़े का कहना, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, न्यायदान जारी रहना चाहिए। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक 1,00,000 के पार। दिन में 7,593 मरीज बढ़ाए, मृतकों की संख्या में अतिरिक्त 286 जोड़े। आंकड़ों में हुई हेराफेरी। मध्य रेलवे ने की एक दिन में रिकॉर्ड माल ढुलाई, 9,30,00,000 की आय प्राप्त। माता पिता के ही हाथों गई शराबी पुत्र की जान, हिवरा हिवरी की घटना, रोज नशे में करता था गाली गलौज, रामटेक पुलिस ने किया मामला दर्ज। कोरोना से बचाव के लिए जिला परिषद की पहल, 22.62 लाख ग्रामीणों को दी जाएगी आर्सेनिक एल्बम 30 इम्यूनिटी बूस्टर। 14वें वित्त आयोग की निधि के ब्याज से औषधि खरीदी को मिली मंजूरी। बीएड की लिखित परीक्षा का हुआ भारी विरोध, 500 से अधिक परीक्षार्थियों ने भेजे ईमेल, परीक्षा ना ले। विद्यार्थियों का कहना है, अन्य पाठ्यक्रमों की तरह ही बीएड की परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। आपली बस में यात्री बढ़े, बसों की संख्या भी बढ़ी। शहर में चलती थी रोज 361 बसें, शहर में कल से 40 की जगह दौड़ेगी 90 बसें। इमारत से गिरने के कारण मासूम सहित 2 की हुई मौत, 5 पावली और यशोधरा थाना अंतर्गत हुई घटना, आकस्मिक मृत्यु के तौर पर मामला किया गया दर्ज। महिला चिकित्सक ठगी मामले में 8 तक की PR, महिला आरोपी गोवा से गिरफ्तार, कम पढ़े लिखे ने उच्च शिक्षितों को ठगा। एक ब्रास सहित करीब 5,03,000 का माल जब्त, कन्हान पुलिस ने वाघोली शिवार में की कार्रवाई।